हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबीटी चुंग पोर्टल। योर वेलकम। प्रैक्टिस है सेकंड, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर 37 पर हम छूटे थे और यहाँ पर 37-38 से चलेंगे हम। प्रैक्टिस है 2 है ये। और मैं देसी दिवाकर फ्रॉम डीबीटी चुंग पोर्टल। तो योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन और आपके पास पहुंच जाए। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरा, यहां पर दूसरे नंबर पर पार्ट 2 का, यहां पर एब्जर्शन एंड डाइजेशन। द एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलाइजेज। तो इन्वर्ट जो है क्या हाइड्रोलाइजेज करता है, इन्वर्टेड सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज। और ये भी ध्यान रखें कि सुक्रोज हमेशा टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, दो इन्वर्टेज जो एंजाइम की क्रिया के द्वारा। द एंजाइम ट्रिप्सिन फाउंड इन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। सम प्रोटोलाइटिक एंजाइम आर। तो कुछ प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन, इरेप्सिन एंड पेप्सिन। तो यहाँ पर जो सम प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो प्रोटोलाइटिक मतलब जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो जैसे ट्रिप्सिन, इरेप्सिन एंड पेप्सिन। ऑप्शन बी सही होगा 40 का, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन एंड पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़े उसे प्रोटोलाइटिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस हैव मिनिमम पीएच। तो कौन से डाइजेस्टिव जूस हैं जो सबसे कम उनका पीएच होता है, 141 का है गैस्ट्रिक जूस। अमाइलोप्सिन एक्ट अपान पॉलीसेकेराइड इन एल्काइन मीडियम। पेप्सिन कन्वर्ट, तो पेप्सिन कन्वर्ट सुक्रोज टू वो प्रोटीन टू प्रोटीन टू पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है पेप्सिन। पेप्सिन ट्रिप्सिन और मैंने भी क्या होता पेप्सिन ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं एंजाइम्स। बिच ग्रुप कंटेन बायो कैटालाइटिस्ट। तो 144 पेप्टोज अमाइलोप्स एंड रेरिन। ऑप्शन बी। फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमच इज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। यहाँ पर पहला ही हो जाएगा 145 का। रेनिन एक्ट अपॉन ऑन मिल्क प्रोटीन एंड कन्वर्ट। रेनिन एक्ट अपॉन मिल्क, मिल्क को तोड़ता है और प्रोटीन तो कन्वर्ट किस में बदलता है। यहाँ पर पहला ही हो जाएगा 146 का। कैसीन इनटू द पैरा कैसीन, ऑप्शन डी था। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमच। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोक्लोराइड जिसे HCl कहते हैं उसका काम नहीं है, तो ब्रेक डाउन पेप्टोन इनटू द पेप्टोन पहला ही सही हो जाएगा 147 का। पहला ही है जो नहीं काम है और सारे काम है तीन। एंजाइम पेप्सिन एक्ट अपॉन द फूड एट पीएच ऑफ अबाउट। तो पेप्सिन जो एंजाइम है कितने पीएच पर काम करता है, तो है टू स्प्लिट प्रोटीन्स। और पैनक्रियाटिक जूस टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ। तो पैनक्रियाटिक जूस है तो किसके डाइजेशन के काम आता है, नेक्स्ट पर है 149 का। यहाँ पर हो जाएगा तो प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन को और फैट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, डाइजेशन करता है इन सभी का। ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम द पेप्सिन इन दैट। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन से किसकी जो कि भिन्नित है किसमें, 150 ऑप्शन 1 है डाइजेस्टेड
डाइजेस्टेड प्रोटीन इन अल्कलाइन मीडियम एंड नॉट इन एसिडिक। तो डाइजेस्टिक अल्कलाइन नॉट इन एसिडिक, तो ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन से। ट्रिप्सिन यानी अल्कलाइन मीडियम में और नॉट एसिडिक होता है, जबकि यहाँ पर पेप्सिन एसिडिक होता है। तो इसी यही डिफरेंट है इसमें। तो ऑप्शन यहाँ पर ये था 150 का ये। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ, तो डाइजेशन हम कैसे प्रभावित कर सकेंगे, तो लार्ज फूड पार्टिकल इंटू स्मॉल वंस और नॉन डिफ्यूजल फूड पार्टी एलिमेंट्स इंटू द डिफ्यूजेबल इंटू कंस्टिट्यूट। ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर परिभाषा जो है इसकी बी सही है डाइजेशन की। और इंजाइम मेल्टोज इन ह्यूमन गट एक्ट अपॉन फूड एट पीएच ऑफ, तो इंजाइम मेल्टोज है कितने पीएच पर काम करता है, वो 152 तो होगा, मोर देन 7 टू चेंज मल्टोज इनटू द ग्लूकोज, 7 से ज़्यादा यानी 7.21345678 ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 से ऊपर होगा, 7.12 या ऐसे कुछ भी, 0.7 7.01 02 03 ऐसे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मोर देन 7 चेंज मल्टोज इनटू द ग्लूकोज, मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टेज इंजाइम है जो। नेक्स्ट है इंटरकाइनेज स्टूमलेट, तो इंटरकाइनेज स्टूमलेट उत्पादित करता है क्या है, किसे उत्प्रेरित करता है, 53 का हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन को। मीडियम इन विच पेप्सिन एक्टिव, किस मीडियम में पेप्सिन एक्टिव होता है, तो अभी पेप्सिन के ऊपर बात हो रही थी, पेप्सिन होगा एसिडिक नेचर में, और यहाँ पर देखा गया था अभी ट्रिप्सिन एल्किन मीडियम है और पेप्सिन एसिडिक मीडियम होगा, ऐसे भी हम लगा सकते हैं इंटरकाइनेज में। तो मीडियम इन पेप्सिन एक्टिव, तो यहाँ पर होगा 154, तो सी हो जाएगा एसिडिक, अभी ऊपर दिखाया था। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन एसिडिक में, ट्रिप्सिन एल्केलिक मीडियम में एक्टिव करता है कम, और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में, तो ऑप्शन सी सही है। पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज इनटू, तो पैनक्रियाटिक जूस किस में निकलता है, मतलब किस कहाँ से निकलता है, 54 का यहाँ पर 55 का बी ए डोडनम। ऑप्शंस ऑफ बीच दीज इन वाइल बिल मैक फैट डाइजेशन डिफिकल्ट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस ऑफ बीच दीज वाइल जो कि मैक फैट डाइजेशन डिफिकल्ट, और कौन किन की अनुपस्थिति में जो है कठिन हो जाएगा फैट का पाचन, किस मीनिंग, यहाँ पर 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी साल्ट। साल्ट अगर नहीं हो तो फैट का पाचन बहुत जटिल हो जाएगा, दिक्कत होगी पाचन में, 56 क्योंकि फैट जो है अल्केलिक होता है वो साल्ट, तो अल्केलिक मीडियम में फैट डाइजेशन अच्छा होता है, ऑप्शन बी है 56 का। बीच टू इंजाइम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस, तो कौन से दो इंजाइम हैं जो कि ह्यूमन गैस्ट्रिक में नहीं पाए जाते हैं, वो प्रेजेंट पाए जाते हैं 57 का पेप्सिन और रेनिन है जो गैस्ट्रिक इंजाइम है। कैमोट्रिप्सिन एक्ट अपॉन, तो कैमोट्रिप्सिन यहाँ पर किस पर काम करते हैं, प्रोटीन इन डोडेनम इन एल्काइन मीडियम, तो ट्रिप्सिन की बात है तो एल्काइन मीडियम होगा यहाँ पर 58 का डी है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है, अब ट्रिप्सिन को कैमोट्रिप्सिन है, कैमोट्रिप्सिन इनएक्टिव प्रोसेस है और एक्टिव प्रोसेस ट्रिप्सिन है, तो कैमोट्रिप्सिन को इंटरकाइनेज द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तो कैमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है और ये प्रोटीन को तोड़ता है डोडेनम एल्काइन मीडियम में, ऑप्शन डी सही है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ऑफ मोस्ट प्राइमेट्स बिच सिंथेसिस सर्टेन विटामिन आर, तो यहाँ पर एंटीमा कोली, एंटीमा हिस्टोलिका, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ अबोव 59 का डी।
क्योंकि रेसियस कोलाई होता है, वो इसमें है नहीं कोई। सलीवा कंटेन यानी लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन, टाइलिन जाइम पाया जाता है लार में। देखिए सलीवा कर दें, ऑप्शन शार्ट का ये हो जाएगा। सेबली अमाइलेज, सेलेबरी अमाइलेज डाइजेस्टिव इंजाइम प्रमोट डाइजेशन ऑफ 161 सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जो कि लार में पाया जाता है टाइलिन अमाइलेज, और डाइजेस्टिव करता है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसैकेराइड का पाचन कभी नहीं होता है, नहीं कोई पूछे मोनोसैकेराइड क्वेश्चन डाल दे कि मोनोसैकेराइड का पाचन कहाँ होता है, तो मोनोसैकेराइड का पाचन नहीं होता है कहीं भी। डाईसैकेराइड पॉलीसैकेराइड का पाचन होता है, तो डाई और मोनो का मुँह से शुरुआत होती है पाचन होने की, वो और डाईसैकेराइड का मुँह से होती है पाचन शुरुआत, डाई और पॉलीसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड का कोई पाचन नहीं होता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। बिच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम डाइजेस्टिव प्रोटीन इन स्टोमच, तो इनमें से कौन सा इंजाइम है जो कि प्रोटीन को पाचन करता है स्टोमच में, पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पाचन करता है, कौन सा इंजाइम है। 62 का यहाँ पर ये हो जाएगा पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन करने का पेप्सिन। विच टर्म इज यूज फॉर द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट ऑन फैट, तो टर्म यूज फॉर द बाइल साल्ट ऑन फैट तो इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन डी होगा 63 का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड बाइल एक्शन ऑफ बाइल्ट, तो टर्म यूज फॉर द एक्शन ऑफ बाइल्ट बाइल साल्ट तो यहाँ पर होगा इमल्सी, जब हम नमक और मतलब जब बाइल साल्ट होता है वो फैट पर कार्य करता है, फैट को तोड़ता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, तो यहाँ पर उसे कहते हैं एक्शन ऑफ बाइल साल्ट ऑन फैट। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर ब्रोकन बैन, ये यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए कहाँ जाते हैं ये भी पता है, ये पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड कुछ भी बोले, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं 1,4 यहाँ पर बीटा भी लिखा होगा 1,4 बीटा या बीटा बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसे भी होगा, सारे आंसर एक से हैं फिलहाल। 1,4 ग्लाइसिडिक बॉन्ड आर ब्रोकन बैन, देखो स्टार्च डाइजेस्ट बाय अमाइलेज, तो यहाँ पर स्टार्च की मैंने बताया था, स्टार्च यानी सेलुलोज, सेलुलोज में पाए जाते हैं, तो सेलुलोज जब टूटेगा तो अमाइलेज द्वारा, ऑप्शन बी सही हुआ 64 का। आर डाइजेस्टिव इंजाइम आर, तो सारे डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं कैसे होते हैं, ऑक्सीडेज हो लाइज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज, 65 का यहाँ पर होगा ए हाइड्रोलेजेज। यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं, और आप अगर कमेंट करके बताएं, आप कमेंट भी नहीं करते हैं कि कैसा वीडियो, मतलब किस तरीका सही है कि नहीं है, और किसी टॉपिक पर चाहिए हो तो उसका भी कमेंट करें, कोई भी फीडबैक हमें मिले कि कैसा वीडियो मतलब सही है कि नहीं है, कोई कमी हो। बिच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक मेकोसा म्यूकोक्सा सेक्रेट पेप्सिनोजन, 166 का यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन चाइप सेल्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन ब्राउट अबाउट बाई, तो यहाँ पर होगा 167 का हो जाएगा बी ऑप्शन बाइल साल्ट, अभी टर्म मैंने बताया था इमल्सिफिकेशन फैट तो उसे बाइल साल्ट एक्शन ऐसे भी लिखा हो सकता है यहाँ पर बी की जगह पर। स्टेटमेंट कॉमन टू अमाइलेज रेनिन एंड ट्रेप्सिन, तो यहाँ पर तीनों में स्टेटमेंट कॉमन कहाँ क्या है, 168 यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन दीज आर प्रोटीन्स, तो रेनिन ट्रेप्सिन अमाइलेज ये सारे क्या हैं, प्रोटीन तोड़ने वाले इंजाइम्स हैं, इंजाइम के बने होते हैं जो कि प्रोटीन पर काम करते हैं। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम इज फाउंड इन, तो सबसे बड़े जाति यहाँ पर पाई जाती है, किस्में पाई जाती हैं डाइजेस्टिव करने की, सबसे बड़े डाइजेस्टिव इंजाइम किस में पाए जाते हैं, ओमनीवोर्स कार्निवोर्स
हार्नीवोर जहाँ तक है एंजाइम का कार्य होता है बड़े से बड़े मतलब डाइजेशन के लिए, तो ज़्यादा डाइजेशन यहाँ पर कर्नीवोरस में ही होगा या ओमनीवोरस में, क्योंकि वो सब चीज़ खा लेता है, तो सब चीज़ खा लेगा तो सभी चीज़ों को पाचन होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो हम कॉमन सेंस लगा कर ऑप्शन ए लगा सकते हैं, 69 का यहाँ पर ए है और ए ही सही है। ऐसे भी लगा सकते हैं यहाँ पर जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो एनिमल सारी चीज़ें खाएगा तो वहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत हो ही हुई, कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस लोग कर्नीवोरस लगाते थे, गलत है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बीच इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है, सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, तो रेनिन किस पर काम करता है, स्टोमच कैसीन, ऑप्शन यहाँ पर बी सी लग रहा है मुझे, ऑप्शन यहाँ पर सी 70 का सी है। और रेनिन कार्य करता है दूध को, टूल को दूध की प्रोटीन को करता है कन्वर्ट स्टोमच में, कैसीन को कैसीन में दूध को तोड़ता है और पाया जाता है स्टोम यहाँ पर स्टोमच में, और एंजाइम ये स्टोमच में रेनिन में पाया जाता है, रेनिन स्टोमच में पाया जाता है और दूध को तोड़ता है कैसीन में। ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन, तो हम यहाँ पर हेल्प फिर आ गया, यहाँ पर स्टोमच इन एल्केलाइन मीडियम है या यहाँ पर एसिडिक मीडियम, स्टोमच में पाया जाता है तो हमें ऊपर वाले ऑप्शन में पता है, मगर यहाँ पर पूछ रहा है कि एसिडिक मीडियम है या एल्केलाइन मीडियम है, तो 71 का होगा डी ऑप्शन एल्केलाइन मीडियम। एंजाइम विल जाइडेटेड प्रोटीन इफ पीएच इज 8.6, तो कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है 8.6 एंजाइम पीएच पर, पेप्सिन है जो ऐसा एंजाइम जो 1.6 पर प्रोटीन को डाइजेशन करता है। मैच द पेयर यहाँ पर मिलान करना है, आइसोलेट ऑफ लैंगर है, सेक्रेटिन है, यहाँ पर सेवली ग्लैंड अमाइलेज है, सही है, यहाँ पर बीसी वाला सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोक्सिन गलत है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं यहाँ पर उत्पन्न करती है, यहाँ पर थायरोक्सिन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं यहाँ पर थायरोक्सिन करती है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, और सारे गलत हैं, यहाँ पर पैनक्रियाटिक करता है या कार्टेक, वैसे ही यहाँ पर सी सही है ऑप्शन 173 का सी। इफ पीएच ऑफ स्टोमच इज मेड 7 विच कंपोनेंट ऑफ फूड वुड बी इफेक्टेड, अगर हमारे पीएच जो ट्रीटमेंट में 7 हो जाए तो कौन सा प्रभाव फूड कंपोनेंट पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा प्रोटीन पर, प्रोटीन वुड बी इफेक्टेड, प्रोटीन बहुत प्रभाव पड़ेगा, प्रभावित होगा। ट्रिप्सिन इज चेंज इनटू द ट्रिप्सिन बाई ट्रिप्सोजन इज चेंज इनटू द ट्रिप्सिन बाई इंटरकाइनोज, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर 75 का, इंटरकाइनोज की क्रिया पर ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव, ट्रिप्सिनोजन जो है इनएक्टिव प्रोसेस है, तो एक्टिव प्रोसेस करने के लिए इंटरकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलता है, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। ट्रिप्सिन इज चेंज इन, तो ट्रिप्सिन चेंज किस में होता है, माल्टोज इन कंपोनेंट, यहाँ पर स्टार्च टू ग्लूकोज इनटू द माल्टोज या प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर 76 का, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, क्योंकि ये प्रोटीन को काम करता है, प्रोटीन का एंजाइम है यहाँ पर 1.6 पर ये पीएच पर काम करता है, ये सबसे कम पीएच पर काम करता है 1.6 पर पीएच पर, 76 का भी हो गया। द हार्मोन कोलेसिस्टोकोनिन कोनिन रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन इपिथीलियम स्टिमुलेट, 177 का ये हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, सेक्रेटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस इन, सेक्रेटिन हार्मोन के कहाँ प्रोड्यूस होता है, 178 ऑप्शन सी
इंटेस्टाइन एंड स्टोमलेट पैनक्रियाज। हार्मोन इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रेटिक जूस इन मामल्स। हार्मोन इन्वॉल्व इन द इन डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रेटिक जूस इन मामल्स। 179 ऑप्शन बी होगा, सेक्रेटिन एंड सीसीके। द हार्मोन सेक्रेटिन स्टूमुलेट सेक्रेशन ऑफ, तो हार्मोन सेक्रेशन स्टूमुलेट सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। यहाँ पर हार्मोन सेक्रेशन स्टूमुलेट जो सेक्रेशन हार्मोन है वो उत्पन्नित करता है, उद्दीपित करता है सेक्रेशन ऑफ किसका, सेक्रेशन स्त्रावण। 180 का यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, पैनक्रेटिक जूस। गाल ब्लैडर स्टिमुलेटर भाई, तो गाल ब्लैडर किसके द्वारा उत्पन्नित होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, कैलो साइटोकाइनिन। फंक्शन ऑफ इंट्रोगेस्ट्रोन इज, वो इंट्रोगेस्ट्रोन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। 82 का हो जाएगा इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर अब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन बाई। 183 का हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द फैट ऑब्जर्व फ्रॉम द गट एंड ट्रांसपोर्टेड द ब्लड इन टू द फॉर्म ऑफ, फैट ऑब्जर्व फ्रॉम द गट एंड ट्रांसपोर्टेड इन टू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो फैट और यहाँ पर फैट ट्रांसफर होती है गट में किसके रूप में। 84 का हो जाएगा काइलोमाइक्रोन्स। रिकेट्स अगर इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डी ऑप्शन, यहाँ पर होगा विटामिन डी की कमी से। 85 का डी। इंटरकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, तो इंटरकाइनेज जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने के लिए, इंटरकाइनेज को पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए कार्य करता है। तो पेप्सिनोजन ये पेप्सिन है जो कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव प्रोसेस है पेप्सिन की, पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव पोजीशन में रहता है और जब एक्टिव पोजीशन में आ जाता है तो इंटरकाइनेज द्वारा तो पेप्सिन हो जाता है कन्वर्ट पेप्सिन में, जब प्रोटीन का पाचन होने की प्रक्रिया होती तब। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर 86 का, वो 86 का यहाँ पर डी सही होगा, 86 का ट्रिप्सिनोजन को इंटू ट्रिप्सिन। 86 का डी है भैया, ये सही नहीं बन रहा, 86 का डी। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विटामिन विथ दोज कॉलम सेकेंड डिफिशेंसी डिसीज, तो यहाँ पर मिलाना है कौन सी डिफिशेंसी डिसीज विटामिन से होती है, तो सूखा तो होता है विटामिन डी से, और बी बन से होता है यहाँ पर बेरी बेरी, ए से यहाँ पर, तो यहाँ पर ए से है लाइट ब्लंड, और यहाँ पर के से होगा हीमोरिज डिसीज। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा यहाँ पर, क्रम होगा यहाँ पर क्या होगा, क्रम होगा पहले का क्या है, पहले का दूसरा, सही है पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का यहाँ पर होगा, तीसरे का पहला और चौथे का यहाँ पर होगा तीसरा। तो यहाँ पर हम देख लें कोड 2443 नीचे दिए हैं, 2413 कोड किस में है, तो 2413 कहाँ मिल रहा है हमें, 2413 यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर 187 का सी ऑप्शन सही है। अब हम दोनों चीज़ें देख लें एक बार, मैंने तो मिला दिया ऑप्शन सी है यहाँ पर, क्या था पहले का यहाँ पर, ये था
और बी का जे था, और के का यहाँ पर हीमोफिलीज डिसीज, ए का नाइट ब्लाइंड था, एंड ए डेंटल डिसीज कैरेक्टर बाय द मोल्टिंग ऑफ टीथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर पिच इज दैट एलिमेंट। सो 188 का सी हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोरीन। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। यदि जो बच्चा हिंदी वाला है तो वो कमेंट करके बताए कि भैया उसे हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हिंदी में बताता रहूँगा साथ साथ में। अगर इंग्लिश वाले हैं तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि भैया टीचर बनना है और साइंस साइड जो बीएससी एमएससी करी होगी यहाँ पर, और तो पीएड भी करा होगा, तो इंग्लिश से ही करा होगा यहाँ पर। अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो मुझे कमेंट करके बता, मैं हिंदी में भी बता दूँगा। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्टेंट पेयर, तो यहाँ पर एंजाइम और सबस्टेंट का पेयर सही बताएं कौन सा है। तो रेनिन कैरसिन यहाँ पर बी सही है, तो 189 का यहाँ पर बी। पीएच ऑफ सलीवा इज, तो जो लार का पीएच है कितना होता है उसमें, लार का पीएच है 6.8। द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ बिली, तो बिली का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अब्सॉर्प्शन यहाँ पर इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन डी सही होगा 191 का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इज स्टोमच सिक्रेटेड बाई, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक कौन सी सेल है, यहाँ पर चाइप सेल्स, ऑप्शन ए सही है 92 का। 92 का सही नहीं है, 92 का यहाँ पर है पैराइटल सेल्स। द पी एच ऑफ सैकस इंटरकाइनस, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो सैकस इंटरकस इंटरीकस का जो पी एच है कितना है, 193 का ये हो जाएगा 7.6। जो सक्सस इंटरकाइज इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इसका पी एच 7.6। सेरेटीन हारमोन्स स्टूमुलेट, 194 का बी ए पेनक्रियाज, सेक्रेटिन हार्मोन पेनक्रियाज को उत्पन्न करता है एंजाइम के लिए उत्प्रेरित करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक पेलासिन, छोटे प्रोटीन का यहाँ पर होगा स्टोमच एंड इसोफेगस, यहाँ पर किस्मा 95 का क्या है, ऑप्शन डी होगा डोडेनोम स्टोमच, डोडेनोम एंड स्टोमच में पाचन होता है प्रोटीन का, डाइजेशन जैसे कहते हैं पाचन। और डिपेंडेंसी ऑफ कैल्सीफेरल काज है, तो यहाँ पर सूखा रोग होगा तो सी को कहते हैं रिकेटस, जो विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्सीफेरल विटामिन डी को कहते हैं, यहाँ पर कैल्सीफेरल लिख दिया, विटामिन डी नहीं लिखा, ऐसे भी लिखता है डिपेंडेंसी ऑफ विटामिन डी काज है रिकेट्स। 196 का क्या था, डी हाँ, मेजर काज ऑफ एनीमिया इन द डिपेंडेंसी ऑफ, तो मुख्य रूप है एनीमिया की कमी के, तो आयरन है सबसे कम तभी तो अनिमिया हो जाता है, 97 का पी। कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू, तो लगातार खून बहना जो है चोट वाले स्थान से या घाव से, तो जब किसकी कमी होती है तो के की कमी होती है, घाव नहीं बढ़ते हैं और खून नहीं रुकता है, विटामिन के है तो थ्रोम्बिन बनाता है, थक्का जमाता है जो, तो थ्रोम्बिन में पाया जाता है यहाँ पर विटामिन के, नेप्थोनिन का ऑप्शन 98 का डी होगा। पिच दीज काज कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल ब्लेडर, तो इनमें से कौन सा है जो गाल ब्लेडर कंस्ट्रक्शन के लिए तो होता है, तो गाल ब्लेडर कंस्ट्रक्शन कौन होता है, 99 का कैलोसाइटोकाइनिन, जो कि गाल ब्लेडर में पाया जाता है, जो बाइल डक्ट का था बाइल जूस। द अब्सेंस ऑफ इंट्रोकाइनेसिस इंटरकाइनेज द डाइजेशन ऑफ, तो इंटरकाइनेज की अब्सेंस हो तो किसका डाइजेशन प्रभाव होगा, किसके डाइजेशन प्रभाव पड़ेगा, तो स्टेन काइनेज यहाँ पर इंटरकाइनेज आएगा,
ट्रिप्सिन वजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन वजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, अमोनिया और सारी और प्रोटीन का पाचन करता है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड का पाचन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है 200 का, वो 200 का यहाँ पर अल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है उसका पाचन प्रभावित होगा। द एंजाइम यूज टू कन्वर्ट प्रोटीन इंटू द प्रोटियोसेस एंड पेप्टॉन्स, तो एंजाइम यहाँ पर होगा ट्रिप्सिन 201 का। यहाँ पर 201 का यहाँ पर पेप्सिन है, यहाँ पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टॉन्स में। इन मामल्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाई, तो ये मामल्स सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाई, तो डाइजेशन ऑफ मिल्क तो रेनिन यहाँ पर होगा 202 का ए है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पॉलीपेप्टोज एक्ट अपॉन द पॉली ऑन द पेप्टाइड लिंकेज आर प्रोटीन्स एंड ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आर द नेसेसरी फॉर दिस रीजन। दूसरा कह रहा है कि आर वाला आर डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू द हाइड्रोलाइज क्लास, नाउ सेलेक्ट और आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन कोड, तो ब्लू 203 का ए ऑप्शन है। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेरी बेरी इज कार्ड बाई द डिफिशियंसी या बी, यहाँ पर बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, बी वन की कमी से होता है, 204 का ए हो जाएगा। लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट इनेमल ऑफ टीथ, तो यहाँ पर कौन सी है जो कि लेयर इनेमल की बनाती है, तगड़ा जो इनेमल हार्ड सब्जेक्ट है हमारे एनिमल बॉडी में, सबसे हार्ड पदार्थ है इनेमल, 205 का यहाँ पर डी होगा, इनेमोब्लास्ट अमीलोब्लास्ट यहाँ पर। बीच ऑफ द फॉलोइंग ये प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वासिकर। मस्कुलर कंडक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नाउन अस, यहाँ पर डी बी होगा पेरिस्टेलेसिस। कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन एंड टीथ ड्यू टू विटामिन, यहाँ पर डी की वजह से यहाँ पर कैल्शियम जमाव होता है विटामिन डी की हेल्प से बोन में, हड्डियों में या दांतों में, 208 का यहाँ पर क्या था सी ऑप्शन। थियामिन डिफिशिएंसी रिजल्ट द बेरी बेरी, गलत है, काज इज पैरालिसिस। पीपल ईटिंग द रॉ फिश मैनी आल्सो सफर फ्रॉम द पैरालिसिस ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, कुकड फिश हैज नो सच इफेक्ट, सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर 209 का यहाँ पर होगा ए आर बी, ए एंड आर ट्रू इज आर, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की। थियामिन डिफिशिएंसी वेरी वेरी सही है, थियामिन यानी B2 होता है थियामिन, और रिबोफ्लाविन B1 वेरी वेरी होता ही थी, तो सही है यहाँ पर, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। मिनरल्स नॉट बायोलॉजिकल एक्टिव, यहाँ पर असस्त ए बता रहा है कि मिनरल नॉट बायोलॉजिकल एक्टिव सबस्टेंट। दूसरा कह रहा है कि सब इंडिविजुअल सफर फ्रॉम द एनीमिया ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो दोनों सही है यहाँ पर, 210 का है यहाँ पर
210 का 20 सही होगा। बहुत ए आर फॉल्स। बहुत दोनों गलत है। करा सम इंडिविजुअल सफर फिरम एनीमिया ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ आयरन। तो केवल यहाँ पर आयरन की नहीं, एनीमिया केवल आयरन से क्यों। तो यहाँ पर 210 का यहाँ पर फिलहाल गूगल करके देख लें इसके बारे में। मुझे ऑप्शन यहाँ पर बी लग रहा है, फिर मुझे ऑप्शन सी सही लग रहा है। ऑप्शन सी है मेरे हिसाब से, आप गूगल करके देख लें। वो सी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा। तो बहुत आर ट्रू बट नॉट आर, यहाँ पर डी है ऑप्शन, बहुत आर ट्रू बट नॉट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ऑप्शन डी सही है मेरे हिसाब से। द फंक्शन ऑफ माइक्रोबिली इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स इज टू। तो माइक्रोबिली का काम क्या है इंटेस्टाइन में, यहाँ पर इनक्रीज ऑब्सेशन एरिया, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है 211 का। ऑक्सेंटिक सेल सीक्रेट, तो यहाँ पर होगा 212 का ए HCl। बिच वन फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। तो पहला ही गलत है और सारे सही लग रहे हैं मुझे। पहला ही गलत है, विटामिन के की पेरी वेरी नहीं होता है, विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया। खून नहीं जमता है जी। और सारे सही हैं, विटामिन ए थैलेमिया सही है, रिकेट्स होता है सूखा रोग, और सी की स्कर भी होगा, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर 213 का। द डेली डाइटरी सब रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडरेटली एक्टिव अडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली। कितनी कैलोरी यहाँ पर देनी चाहिए एक अडल्ट पर्सन को, तो 24 स्वस्थ रहने के लिए 214 का डी है 2500 कैलोरी यानी 2500। काइलोमाइक्रिन आर, तो काइलोमाइक्रिन क्या है, तो अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, फैट ड्रॉप्ड कोटेड विद फॉस्फोलिपिड। 215 का यहाँ पर डी है, फैट ड्रॉप्ड कोटेड विद द ग्लिसरॉल एंड पेप्टोन्स। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय सेक्रेशन ऑफ। तो स्टार्च का कन्वर्ट होता है माल्टोज में, तो इन्वर्टेज में यहाँ पर है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है 216 का माइलेज है। स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज। लैक्टील्स आर फाउंड इन, तो लैक्टील्स कहाँ पाए जाते हैं, लैक्टील्स ऑप्शन बी होगा 217 का। इंटेस्टाइन बिली में पाई जाती हैं लैक्टील्स। कोलेगोस स्टूमुलेट द सिक्रेशन ऑफ। 218 का यहाँ पर हो जाएगा बी बाइल। ए सर्टेन पर्सन इज ईटिंग बॉयल्ड पोटैटो वन फूड कंपोनेंट इट इज। 219 का यहाँ पर नेक्स्ट पर है, ए पर्सन ईटिंग द बॉयल्ड पोटैटो वन फूड कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो बॉयल्ड पोटैटो खाता है, तो आलू बता रहा है वो उबला हुआ, तो उसमें उसका पदार्थ क्या है, उसमें क्या पाया जाता है। 19 का यहाँ पर होगा सी ऑप्शन डीएनए विच डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रियाटिक एंडेज। ऑप्शन सी होगा डीएनए। उबले हुए आलू बता रहा खाएगा तो उसमें क्या होगा, तो डीएनए विच डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रियाटिक एंडेज।
एंडेजेक्स इंजाइम्स है। तो 200 यहाँ पर 219 का यहाँ पर सी, ए पर्सन डेफिनेट डिफिशेंट द विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन शुड बी एडवाइज टू टेक मोर ऑफ, तो कैरेट एंड पपाया ऑप्शन बी है। ये नज़र कम वाला है जो कि उसे कम दिखा रहा है, तो वहाँ पर पपाया और कैरेट खाएगा तो सही हो जाएगा, यानी विटामिन ए की कमी। व्हाट इज कॉमन अमंग द अमाइलेज रेनिन एंड ट्रिप्सिन, दीज आर प्रोटीन्स, ऑप्शन यहाँ पर 221 का ये सही होगा। सोडियम टेरोकोलेट इन बाइल एसिड इज, तो सोडियम टेरोकोलेट इन बाइल एड इज इन 222 का ए डी हो जाएगा यहाँ पर, इमल्सिफिकेशन। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज प्लास्ट बाय द लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरी ड्यू टू इन्फेंट बिलो द एज ऑफ बोन वन ईयर लाइकली टू सफर फ्रॉम रिकेट्स, ऑप्शन यहाँ पर 223 का होगा। मेरे मरसमस यहाँ पर मैच करने वाला ऑप्शन है जो, तो यहाँ पर मैच करना सीधे हमें। तो पहला किडनी यहाँ पर बता रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, लीवर कुन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हम एक 1/1 मिला रहे हैं। तो पैनक्रियाटिक यहाँ पर पैनक्रिया किडनी है जो एड्रिनल में पाया जाता है। क्रिप्टोटाब लेवल कुन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर 224 का ऑप्शन यहाँ पर मिला रहे हैं, 224 क्रिप्टोटाब लेवल कुन तो किडनी में पाया जाता है, वो आंत में पाया जाता है। क्रिप्टोटाब लेवल कुन तो पाया जाता है इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर पैनक्रियाज पाया जाता है स्टोमच में, वो पैनक्रियाज पाया जाता है। क्रिप्ट लीवर कुन पाया जाता है इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज पाया जाता है लूप ऑफ डोडेनो, तो ए का यहाँ पर आर होगा इंटेस्टाइन, लीवर क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन इंटेस्टाइन, और यहाँ पर बी पैनक्रियाज का होगा लूप ऑफ डोडेनम, एंडिनल का होगा एंडिनल यहाँ पर होगा किडनी, सी का यहाँ यश, और डी का यहाँ पर होगा स्टोमच गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमच, तो इसके हिसाब से अपन डी सही होगा। बैन ती तार सिमिलर कौन सेप्ड इट इज कॉल्ड, सिमिलर हैं तो होमोडेंट होंगे, 225 का सी है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ कैनाइन इन द परमानेंट डेंटल सेट, तो 26 का यहाँ पर ये हो जाएगा 4, टोटल नंबर कैनाइन इन परमानेंट सेट, तो कैनाइन की कुल संख्या 4। ए डेंटल डिसीज करेक्टेड बाय मोल्टिंग ऑफ टीथ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट ड्रिंकिंग वाटर, तो
227 का यहाँ पर सी हो जाएगा फ्लोराइन। डेंटल डिसीज करेक्टेड बाय द मोल्टिंग ऑफ टीथ ड्यू टू द एक्सेसेस सर्टेन केमिकल एलिमेंट ड्रिंकिंग वाटर फ्लोरिन यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर दांत खराब होंगे। यहाँ पर मोल्टिंग ऑफ डिसीज जो दांत झड़ने की होती है प्रक्रिया, तो डेंटल डिसीज करेक्टेड बाय द मोल्टिंग, तो ऑप्शन फ्लोरिन की पानी पीने सर पानी में फ्लोरिन के पानी पीने पर दिक्कत होगी। ये ऑस्टियोथैलेसिया इज एडल्ट इन एडल्ट काज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ 28 का होगा यहाँ पर ए ऑप्शन विटामिन डी, जो कि हड्डियों की बीमारी है ऑस्टियोकैलेमिया ऑस्टियोमेलेसिया। द विटामिन निकोटिनमाइड कैन बी सिंथेसिस इन और बॉडी फ्रॉम, तो 229 का डी होगा यहाँ पर ट्रिप्टोफैन। बीच फॉलोइंग द मैचिंग पेयर ऑफ डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड रिजल्टिंग डिसीज इन विच द पेशेंट डेवलप सोलॉन्ग लिफ थिक पिगमेंट स्किन ऑफ हैंड एंड लेंग्स इरेटिवली पेलेग्रा होगा नियासी, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर वो ऑप्शन बी। हाँ 230 का बी ऑप्शन। साइनोकोलावामिन इनिशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी आरबीसी यहाँ पर। स्टूल ऑफ पर्सन कंटेन बेस्टिस बाय टेस्ट ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ वाइस आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स, और 232 का हो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी लीवर। फंक्शन ऑफ गाल ब्लेडर एज, तो गाल ब्लेडर का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट स्टोरेज ऑफ बाइल। फंक्शन ऑफ गाल ब्लेडर, तो गाल ब्लेडर का काम है स्टोरेज ऑफ बाइल। 233 का ये हो जाएगा। अमंग एनर्जी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट 9.3 कैलोरी दैट ऑफ, तो यहाँ पर कौन सा है जो 9.3 कैलोरी देता है 1 ग्राम में एंड फैट होगा 234 का ही। इन मामल्स द डाइजेशन ऑफ स्टोमच स्टार्ट फ्रॉम, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च डाइजेशन यहाँ पर मुंह से स्टार्ट होता है ऑप्शन ए 35 का ये हो जाएगा। इफ द काइम ऑफ पर्सन हु हैड ओरली कंसर्व्ड ओनली स्टार्च एज फूड एनालाइज बिफोर इंटर द डोडेनम इट द बिस विल शो द पेनक्रियाज प्रेजेंस ऑफ माल्टोज एंड ग्लूकोज, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही होगा 36 का। 36 का स्टार्च डेक्टरिन एंड माल्टोज। स्टार्च का पाचन होगा, स्टार्च मुंह में जाएगा उसके बाद डेक्टिन में फिर ग्लूकोज में बदलेगा, तो फिर डूडोनम में जाएगा तभी पाचन होगा उसका ग्लूकोज में। बीच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस नीड नॉट टेक फ्लास बेन, 237 का बी होगा यहाँ पर डाइजेशन। तो ग्लूकोज का हो यहाँ पर होगा ग्लूकोज नॉट पाचन हो यहाँ पर होगा। फॉलोइंग नीड नॉट टेक प्लेस इन द ग्लूकोज ईटन, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस नीड नॉट टेक प्लेस व्हेन द ग्लूकोज इज ईटन, तो डाइजेशन ग्लूकोज का नहीं होता है खाने पर, क्योंकि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का पाचन नहीं होता है, वो ऐसे ही मतलब चला जाता है हमारे ब्लड में, ब्लड से यूरिया में पेशाब में ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर घोल के हम जब चीनी वगैरह कुछ पीते हैं तब ग्लूकोज होता है वो। बीच आर द फॉलोइंग कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, तो 238 का डी हुआ आयरन बेच प्लेक्सेस। बीच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाइल साल्ट,
239 का डी है जो कि आगे है, बाइल साल्ट जो प्रेजेंट करता है सोडियम ग्लूकोलेट एंड टायरोकोलेट। बाइल साल्ट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और एक बार क्वेश्चन और देख लें भी ज़्यादा फॉलो की रिप्रेजेंट बाइल साल्ट, तो बाइल साल्ट प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टायरोकोलेट। कफर सेल आर फाउंड इन, तो कफर सेल यानी भच्ची सेल पाई जाती है लीवर में, भच्ची कोशिका जिसे कहते हैं। 240 का ये बीच आता फॉलोइंग अनइनिशियल अमीनो एसिड, तो इनिशियल अमीनो यहाँ पर होगा ग्लाइसिन। तो 241 का 200 फेनिलीन, फेनालीन यहाँ पर डी होगा फेनालीन, फेनालीन। एनिमल ईटिंग वन फीसल मैटर आर, अपने जो है पोटी खा लेता है कौन सा जानवर है, तो एनिमल ईटिंग वन फीसल मैटर, फीकल मैटर तो यहाँ पर होगा, तो उसे क्या कहेंगे जो अपनी लेटरिंग खा लेता हो ऐसा जानवर, तो उसे 242 का होगा बी कार्पोफैगस, जो कि रैबिट है, रैबिट अपनी ही पोटी खा लेता है यानी अपनी लेटरिंग खा लेता है, तो उसे कार्पोफैगस कहते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च का अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, इसलिए दोबारा वो ईट करता है। पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द लॉन्ग आइलनेस एंड ऑफन एडवाइज टू इनक्लूड द एल्गी स्पिरुलिना इन देयर डाइट बिकॉज रिच इन प्रोटीन। 243 का ये ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग द व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज अप बाय द बॉडी। 244 का यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट फैट एंड लास्टली प्रोटीन्स, तो जहाँ पर जब भूखा रहेगा मनुष्य तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज करेगा, जब वो नहीं रह जाएगी तो उसके बाद फैट का, फैट नहीं रहेगी शरीर में हमारे, तो उसके बाद जो हमारी सेल्स हैं प्रोटीन टूटेगी हमारी सेल की, लास्टली में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो आदमी जब तक शरीर सही रहेगा सारी टूट जाएगा तो सब उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करके ऊर्जा मिलती रहेगी, ऐसे ही आदमी डेट हो जाएगी आदमी की भी, तो लास्ट यहाँ पर यही क्रम है यहाँ पर एनर्जी प्राप्त करने का जब प्रोलॉन्गेड फास्टिंग, जब भूखा रहे तो, और अगर खाएगा नहीं तो मर ही जाएगा फिर। सार्क एंड कोल्ड लीवर, सार्क एंड कोल्ड लीवर आर रिच इन, तो सार्क एंड कोल्ड लीवर ऑयल आर रिच इन, तो किस में पाए जाते हैं, तो विटामिन यहाँ पर डी की, डी विटामिन डी 245 का ये है, विटामिन ए वो विटामिन डी है यहाँ पर। विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एलिमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो प्लांट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा मोल्डिगोनम और मैग्नीशियम भी होता है यहाँ पर, मैग्नीज और जो सारे बड़े धातु हैं मैग्नीशियम यहाँ पर, जो मैग्नीज कापर जिंक ये साले जो हैं माइक्रो एलिमेंट है। मोल्डवेनम यहाँ पर माइक्रो है, तो 246 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें कौन सा पेयर सही नहीं है मैच, विटामिन सी का इसका भी सही है यहाँ पर, बी ये वाला गलत है यहाँ पर, ये सही है B3 का। ये गलत है विटामिन सी, ये थ्री है साला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमारा उत्तर ये होगा विटामिन सी, वो ऑप्शन सी 247 का। B6 का यहाँ पर निकोटिनामाइड होता है जो कि एनीमिया होती है, यहाँ पर एनीमिया इससे भी होती है, यहाँ पर बेरी बेरी तो विटामिन B1 से होता है, तो ऑप्शन सी सही है। कोबाल्ट आज अ रेयर एलिमेंट इनिशियल इन द सिंथेसिस ऑफ दिस विटामिन, तो विटामिन B12 को
हम साइनोकोलाजिन कहते हैं, तो यही है जो कि इनिशियल होता है। 48 का ई डिफिशेंसी ऑफ टैकोफेरल इन द ह्यूमन बॉडी काज दिस कंडीशन। तो जब टैकोफेरल की कमी होगी यानी टैकोफेरल विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा स्टेरिलिटी, ऑप्शन डी है। और इपिथेलियम बनाती है जो कि 49 का, यहाँ पर 49 का यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर पार्ट टू है, इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पर पार्ट टू में, और एक या दो पार्ट और आ सकते हैं इसके, फिर ये ख़त्म। डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अभी हमारे चैनल पर नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे सारी नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, सारी नोटिफिकेशन अपडेट कर पाने के लिए। TGT PGT GRC LT DSSB KVS NVS सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट, तो लगे रहें अगर तैयारी अच्छी चाहते हैं तो। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।